अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी टेस्ट लेकर आई हूँ जो मैंने यूट्यूब पर देखी थी, बिना ऑयल के इसको फ्राई करना। तो इस रेसिपी में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं हुआ, तो चलिए मैंने भी सोचा ट्राई करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसी बनती है। तो ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है, वाकई में अच्छी बनती भी है या नहीं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीन टाइप्स की ये फ्रायो ले ली हैं, एक स्लैंटी है और दो अलग शेप्स की हैं। तो इनमें से देखते हैं कौन सी अच्छी बनती है। तो रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई। अब इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक तकरीबन आधा किलो। ये देखिए ये मोटा नमक है, इसमें मोटा नमक ही इस्तेमाल करना है ताकि चिप्स इसको एब्जॉर्ब ना करें और ये अलग से निकल जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और वक्फे वक्फे से थोड़ा चमचा चला लेंगे ताकि ऊपर नीचे सब तरफ से एक जैसा गर्म हो जाए। तो अब हम इसमें ये स्लैंटी डाल देंगे और इसको नमक में मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए कि थोड़ी सी फूलनी शुरू हो गई है। वाह, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी अच्छी बन जाएगी। तो पूरा रिज़ल्ट मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसका और इसको खा के भी देखूंगी कि इसमें नमक रहता तो नहीं है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, रिज़ल्ट तो एंड में ही आएगा। तो बस ये अच्छे से फूल गई है, अब इसको निकाल लेंगे। नमक के साथ ही मैं इसको ऊपर वाले चमचे पर डाल रही हूँ और फिर उस चमचे को जब हिलाऊंगी तो फिर ये सारा इस तरीके से नमक निकल जाएगा। इसको बस अच्छे से हिलाना है ताकि जो भी नमक इसमें रह गया है वो अच्छे से निकल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब दूसरी स्टाइल की डाल देते हैं और देखते हैं ये कैसी बनती है। मैंने यहाँ पर देख लीजिए दरमियानी आँच रखी हुई है, बहुत तेज़ भी नहीं रखी हुई कि नमक भी जले और ये भी डालते ही जलने शुरू हो जाएं। और ये डालते ही देखें फूलनी भी शुरू हो चुकी हैं। इसको बस पलटते जाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी सी हो जाए। और जो जो नहीं हुई उसको मैं नमक के अंदर दबा रही हूँ। ये बड़ी है तो इसने थोड़ा सा मसला किया है, ये किसी साइड से नहीं हुई तो उसको बहुत ज़्यादा मुझे देखना पड़ा है, लेकिन अब ये सारी फूल गई हैं। ये देखिए बस इसमें से भी अच्छे से नमक झाड़ लेंगे अच्छी तरह और इसको भी निकाल लेंगे। तो अब स्लैंटी डाल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो, तो मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए और ला सकूं। तो देखिए इसकी साइडें भी वाइट होना शुरू हो गई हैं और ये भी जल्दी जल्दी फूलना शुरू हो गई है। तो बस अब ये भी हो चुकी हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ नहीं भी बड़ी, ज़ाहिर तेल और नमक में फ़र्क तो होता ही है। तो अब इसको भी अच्छे से हिला के इसका भी नमक झाड़ लेंगे और इसको भी डिश आउट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू का टाइम आ चुका है। देखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और इसको अब खा के देखेंगे कि कैसी बनी है। तो इसको तोड़ के देख लेते हैं, बहुत खस्ता है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और इसको भी देख लेते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी कड़क है और आसानी से टूट भी रही है। तो अब इसको खा के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। खाने से पहले इसका नमक अच्छे से झाड़ लूँगी और अब इसको खा के देखती हूँ। इसको आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक से अच्छे से पक गई है। तो अब इसको खा के देख लेते हैं। ओफ़, ये बिल्कुल खाने के लायक नहीं है, ये इसने बहुत ज़्यादा नमक एब्जॉर्ब कर लिया है। आप कितना भी इसमें मोटा नमक ले लें लेकिन इसने अंदर तक पी लिया है। अब इस स्लैंटी को चेक कर लेती हूँ खा के।
तो ये स्लेंटी बिल्कुल सही बनी है, इसने बिल्कुल भी नमक एब्जॉर्ब नहीं किया, सिर्फ ये स्लेंटी ही खाने के काबिल है। अगर आपको कभी घर में बनाना है तो आप सिर्फ स्लेंटी बनाएं और किसी तरह की भी कोई फ्राई राइस में अच्छी नहीं बनेगी। मुझे शैतान ने बहुत बहकाया, कहा कि जिस तरह और लोगों ने वीडियो बनाई है, तारीफ़ें की हैं, तुम भी तारीफ़ करो और व्यूज़ ले लो। फिर मेरे दिल ने मुझे समझाया, जब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हो, जब तो व्यूज़ आते नहीं हैं, तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी। और बिल्कुल आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है मैंने। ये दोनों जो कलर वाली हैं, ये खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खाना चाहते हैं तो सिर्फ स्लेंटी चलेगी इसमें, या फिर इसमें जो रिंग्स आते हैं वो इसमें सही बनेंगे, क्योंकि उनमें सुराख नहीं होते, वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और किसी भी तरह की आप इसमें बिल्कुल मत बनाइएगा। तो मैंने इसको दोबारा स्लेंटी को डाल के फ्राई करके देखा कि दोबारा कैसी बनती है। तो ये दोबारा भी माशाल्लाह इतनी ही अच्छी बनी है। तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि वक्त और मेहनत बर्बाद करने से अच्छा है कि आप सिर्फ इसमें स्लेंटी या रिंग्स बनाइए। तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि मैं एक नए तरीके से इसको फ्राई कर रही हैं। तो मैंने उनको ये स्लेंटी तल के दे दी और बाकी कलरफुल चीज़ें डिस्कार्ड कर दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।